खाना भी सारा नहीं बन पाता है। अच्छा मैं खेल रही हूँ लूडो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैन अदर ब्लॉग। आज मैं फिलहाल हूँ डिब्रूगढ़ स्टेशन में, क्योंकि आज मैं इधर से जर्नी करने वाली हूँ इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। यस, आज मैं 22704 विवेक एक्सप्रेस से जर्नी करने वाली हूँ, जो कि वीक में सिर्फ 4 दिन चलती है, मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को एंड रविवार को। एंड ये ट्रेन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी के बीच चलती है। टोटल 4150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, और वो भी 75 आवर्स के अंदर 59 हॉल के साथ। ये ट्रेन रोज़ाना नहीं, वीक में 4 दिन डिब्रूगढ़ स्टेशन से शाम को खुलती है 7:55 को, एंड हमें पहुँचेगी फोर्ट ग्रे कन्याकुमारी रात को 9:55 को। अगर बात करो डिब्रूगढ़ स्टेशन के बारे में, तो स्टेशन का स्टेशन कोड है DBRG, एंड ये एक 4 प्लेटफॉर्म का छोटा सा स्टेशन है। इधर 18 ट्रैक्स हैं, इधर रोज़ाना 16 ट्रेन आके हॉल्ट लेती है, एंड 16 ट्रेन इधर से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। एंड इस स्टेशन के बहुत ही पास है रेल कम रोड, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, बोगीबिल ब्रिज, ओके, वो भी इस स्टेशन के बहुत ही पास है। तो ये 4 दिन हम इसी कोच में बिताने वाले हैं। अभी कोई नहीं आया है, अभी तो पूरा कोच खाली है। मेरा कोच है S2 स्लीपर कोच, एंड सीट है 17 एंड 18, दिस वन लोअर एंड मिडिल, चलो कुछ ऐसा है इंटीरियर। ट्रेन अभी तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है मेरा कोच। एंड इधर चार्जिंग सॉकेट है, इधर एक एंड इधर एक, बस और कुछ नहीं है। इधर एक मिरर है, वो भी बिल्कुल साफ़ है, एंड हमें इमरजेंसी विंडो मिला है। और इस तरफ ऊपर है 2 चार्जिंग सॉकेट, एक इधर एक इधर, अपर लोअर के लिए 2 ही ऊपर है, एंड इधर भी इमरजेंसी विंडो कुछ ऐसा है। एंड साइड लोअर के लिए साइड बेड भी इधर दिया गया है। तो ये है इधर, ओके नाइस। इधर पीने के लिए पानी भी मिलेगा आपको, डस्टबिन इधर नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है, नीचे डस्टबिन है, बेसिन है, बेसिन से अभी पानी निकल रही है पानी, ओके, मिरर है अभी साफ है। एंड बाथरूम तो अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यह वॉश बेसिन, बेसिन में पानी बिल्कुल है, हैंड वॉश नहीं है, ओके, दिस इज मिरर, एक बिग साइज मिरर। एंड ये है इंडियन टॉयलेट, एंड इधर हैंड शावर भी आपको मिलेगा, मग नहीं है लेकिन हैंड शावर है, ऊपर से टैप भी है, नाइस। और हुक्स वगैरह सब कुछ है, लॉक्स का कुछ ऐसा स्टाइल है। नया वाला कोच मिला है, ये देख के मुझे अच्छा लगा कि 4 दिन शायद हम ठीक ठाक से ट्रैवल कर पाएंगे। एंड इस साइड भी इंडियन टॉयलेट सेम, तो इस साइड भी सेम ही है सब कुछ। फाइनली हमारी ट्रेन डिब्रूगढ़ स्टेशन से खुल गई है बिल्कुल राइट टाइम पे, फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3। एंड अभी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर है डिब्रूगढ़ हावड़ा एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस। वैसे विवेक एक्सप्रेस का नाम विवेकानंद जी के नाम से रखा गया था, और 150 बर्थडे एनिवर्सरी पर विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया था। तभी हमारे रेल मंत्री जी थे ममता बनर्जी, उन्होंने ही इस ट्रेन को शुरू किया था। तो विवेकानंद जी के नाम पर विवेक एक्सप्रेस, चार दिन का बात है इसलिए इतना सारा खाने का सामान मैंने स्टॉक किया है, क्योंकि बाहर से खाने का अभी मन नहीं है, मेरा फिज़िकल कुछ इशू है इसलिए। और इधर मैंने
6 लीटर साथ पानी का रेल भी ले लिया है ऑलरेडी, एंड आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से ले लूँगी पेंटिकार से। एंड इधर मैंने सैंडविच मेकर लेके आई थी, तो इसलिए रिटायरिंग रूम में सैंडविच मेकर से सैंडविच भी बना लिया खुद। एंड इधर कुछ चिप्स हैं फ्रूट्स हैं एंड बिस्किट्स भी हैं, सब कुछ मैंने ले लिया है। इसमें कुरकुरे हैं देख लीजिए, तो बहुत कुछ सामान मैंने बाहर से लेके आई हूँ। इधर चूड़ा भी है, मूढ़ी भी है, बहुत कुछ चीज़ है खाने का। गाइस इस ट्रेन में आपको रात को खाने में अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी मिल जाएगी। डिनर में मैंने जैसे कहा ऐसे सैंडविच बना के पैक करके लाई हूँ रिटायरिंग रूम में, घर से लेके आई थी टोस्ट मेकर सैंडविच मेकर, तो उसी से मैं सैंडविच लेके आई हूँ बना के, तो अभी मैं इसको खाऊंगी एंड इसी से डिनर को कंप्लीट करूंगी, फिर जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि आज दोपहर को मैं नहीं सोई थी, थोड़ा बहुत टायर्ड तो हूँ इसीलिए। तो कुछ ऐसा है मेरा सैंडविच, तो चलिए मैं पहले जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। मेरे आजू बाजू सभी लोग सो गए हैं इसलिए मैं भी अभी सो जाती हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है गाइस, 10:30 बज चुका है, तो मैंने बिस्तर लगा लिया तभी सो जाती हूँ। फिर मिलते हैं कल सुबह किसी नए स्टेशन पर, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे 557 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके अभी हम लोग पहुंच गए हैं गुवाहाटी स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GHY। इधर टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, 14 ट्रैक्स हैं। इधर रोजाना 78 ट्रेन हॉल्ट लेती हैं एंड इधर से 36 ट्रेन ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट लेती हैं। इंडिया के एक ऐसी इकलौती स्टेशन है जो कि फुल्ली सोलर ऑपरेटेड है ये स्टेशन, एंड डिब्रूगढ़ से चलने वाली विवेक एक्सप्रेस की इस स्टेशन में टोटल 15 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि इधर इस ट्रेन का बाथरूम की साफ सफाई भी होगी, पानी की रिफिल होगी, लोको पायलट चेंज होगी एंड इधर स्टेशन ट्रेन के मैनेजर भी चेंज होगा। गुवाहाटी स्टेशन पर आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इधर काफ़ी सारे खाने का ऑप्शंस भी हैं, फूड स्टॉल भी हैं, दवा वगैरह सब कुछ ईजिली आपको मिल जाएगी एंड मेडिसिन की शॉप भी आप सामने देख पाएंगे, फार्मेसी वगैरह सब कुछ है एंड जन आहार भी है, भोजनालय भी इधर देख रहे हैं कि रेल नीर को भी लोड किया जा रहा है ट्रेन पर। तो कुछ ऐसा है स्टेशन, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है एंड काफ़ी भीड़ भी है, लेकिन अभी तक मुझे स्टेशन पर कोई फल वगैरह नहीं मिला देखने को, तो फल शल शायद आपको नहीं मिलेगी, फ्रूट्स नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला, मैं लेने के लिए वेट कर रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं है। 15 मिनट हॉल्ट के बाद फाइनली गुवाहाटी स्टेशन से हमारी ट्रेन को डिपार्चर मिल गई है। डिपार्चरिंग फ्रॉम गुवाहाटी स्टेशन फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1। ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी एंड ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगी, पूरी सब्जी ज़्यादा मिलेगी। और आप
गाइस 2739 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके अभी हम लोग पहुंच गए हैं न्यू बंगाईगांव जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NBQ। एंड इधर टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, 12 ट्रैक्स हैं। इधर रोज़ाना 133 ट्रेन हॉल्ट लेती है, इधर से 5 ट्रेन ओरिजिनेटर टर्मिनेट होती है। एंड डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच चलने वाली 22504 विवेक एक्सप्रेस की स्टेशन पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। न्यू बंगाईगांव जंक्शन एक ऐसी स्टेशन है जो कि एक रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिस रिवर का नाम है तुनिया रिवर। ये रहा रिवर, अभी तो रूखा सूखा ही है। एंड इधर जाने का रास्ता है, लेकिन जाइएगा वहाँ तो कुछ चल रहा रिवर। एंड ये है हमारी ट्रेन। स्टेशन पर काफ़ी कुछ कम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। एंड इधर पहुँचने का टाइम था हमारी ट्रेन का 10:30 को, लेकिन ट्रेन बहुत पहले पहुंच चुकी है। अभी टाइम हुआ है 10:15। डिपार्चरिंग फॉर्म न्यू बंगाईगांव जंक्शन फॉर्म प्लेटफॉर्म नंबर 1A। एंड उस प्लेटफॉर्म पर अभी है कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस। स्टैंडर्ड वेज मील ट्रेन में ऐसे पत्थर में कौन देता है भाई, मैंने पहली बार देख रही हूँ। पता नहीं टेस्ट कैसा है। एक दाल है, एक सब्जी है, राइस है, अचार है, कोई मिठाई और दही वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा लेकिन कहा कि अवेलेबल नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या सब्जी मिला है मुझे। 80 रुपीज़ में कुछ ऐसा है, 2 राइस है इसमें, 1 राइस एंड ये रहा राइस, दाल एंड चना एंड पनीर की सब्जी, थोड़ा बहुत पनीर है इसमें। और नॉर्मल वेज थाली का इस ट्रेन में प्राइस है 160 रुपीज़। और वही प्राइस, वही सेम चीज़ 80 रुपीज़ में हमें दिया है स्टैंडर्ड वेज थाली। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके साथ ऐसा स्कैम होता है। टोटल 990 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके अभी हम लोग पहुंच गए न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NJP। एंड इधर टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स हैं एंड 45 ट्रैक्स हैं। इधर रोज़ाना 132 ट्रेन हॉल्ट लेती है, एंड इधर से 18 ट्रेन ओरिजिनेटर टर्मिनेट होती है। एंड डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली 22504 विवेक एक्सप्रेस की इस स्टेशन पर सिर्फ 15 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि इधर इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होगा। डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाएगा इधर। एंड बाथरूम सफाई भी होगा, एंड बाकी स्टेशन के ट्रेन के मैनेजर भी चेंज होंगे, तो इसलिए इधर इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। अगर बात करें लंच के बारे में तो वेज थाली इधर इस ट्रेन में 160 रुपीज़ के बेचे जा रहे हैं। एंड अंडा थाली 170, चिकन थाली 180, इतना ज़्यादा प्राइस लेकर इस ट्रेन पे खाना बेचे जा रहे हैं। लेकिन मैंने लिया था स्टैंडर्ड वेज थाली, सेम चीज़ मुझे 80 रुपीज़ पे मिला। इसलिए मैं भी आप लोगों को वही बताऊंगी कि स्टैंडर्ड वेज थाली लीजिए, आप लोगों को 80 रुपीज़ पे मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग 160 रुपीज़ में ही वेज थाली देंगे। इधर पहुँचने का टाइम था इस ट्रेन का 2:55 को, लेकिन ट्रेन बहुत पहले पहुँच गई है, फिर से टाइम से पहले इधर पहुँच गई है। 2:30 को इधर हमारी ट्रेन पहुंच गई है, तो अभी देर तक रुकेगी इधर। एंड गाइस इस स्टेशन पे आप लोगों को काफ़ी सारे स्टॉल्स देखने को मिल जाएगी। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक स्टॉल्स ऐसे भी है जहां आपको सब कुछ मिल जाएगी, टॉयस वगैरह, पिलो वगैरह, चाय पत्ती, बैग्स, स्नैक्स, सब कुछ इजीली आपको मिल जाएगी। वाटर स्टेशन भी है। टोटल 1222
कॉल करके अभी हम लोग पहुँच गए हैं मालदा जंक्शन स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MLDT। इधर टोटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इधर रोजाना 110 ट्रेन हॉल्ट लेती हैं, 21 ट्रेन इधर से ऑरिजिनेटर चार्ज करती हैं। इधर काफ़ी सारे लोग डिबोर्ड भी हुए हैं एंड इधर से काफ़ी सारे लोग बोर्ड भी होंगे एंड ट्रेन फुल खचाखच पैक हो चुके हैं। और गाइस अगर बात करें स्टेशन के बारे में, तो इस स्टेशन में इस ट्रेन का 5 मिनट का 10 मिनट का हॉल्ट है। तो मिलते हैं फिर डिपार्चर के टाइम। डिपार्चर फ्रॉम मालदा स्टेशन एंड स्टेशन पर काफ़ी खाने का दुकान है गाइस। फ्रूट्स वगैरह मुझे नहीं मिला अभी तक, लेकिन जन आहार है, फूड ऑन ट्रैक का स्टॉल रेस्टोरेंट है, अमूल का स्टॉल्स हैं, और भोजनालय करके रिफ्रेशमेंट रूम भी है। बहुत सारे चीज़ हैं इधर खाने के लिए, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड काफ़ी बड़ा स्टेशन है इधर, काफ़ी बिजी स्टेशन है, साफ सुथरा तो है ही। खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर, आपको इजीली मिल जाएगी। मालदा से एक दही लिया था, मीठा दही, बहुत टेस्टी है, 20 रुपीज़ का ही है, ऐसा मिट्टी का भार में दिया है, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, बिल्कुल दूध का फ्लेवर मिल रहा है मुझे, तो मैं रिकमेंड करूँगी, आप लोग ट्राई कर सकते हैं मीठा दही। बंगाल में इसको मिष्टी दही कहते हैं। तो गाइस अभी रात को हम खाएंगे मूढ़ी, मसाला मूढ़ी, घर से सब कुछ लेके आए थे, खीरा प्याज वगैरह सब कुछ, एंड अभी बन रहा है मसाला मूढ़ी, फिर हम खाएंगे डिनर रात को। 40 रुपये आप चेंज मेरे को दिए। झाल मूढ़ी खा रही हूँ, खुद का बना हुआ, चार दिन के ट्रैवल में अगर खुद तो आई थिंक हेल्थ ठीक है, इसलिए मैंने घर से सब कुछ लेके आया था एंड अभी खुद झाल मूढ़ी बना के खा रही हूँ। बहुत टेस्टी बना हुआ है एंड हेल्दी भी है गाइस, तो आप लोग भी ऐसे खा सकते हैं ट्रेन में। डे वन एंड नाइट टू कुछ इस तरीके से ख़त्म होती है एंड आप लोग देख पाएंगे कि मेरे इधर कैबिन में सभी लोग सो गए हैं, आजू बाजू भी सभी लोग सो गए हैं, तो मैं भी सो जाती हूँ। डिनर हो गई है कंप्लीट एंड ट्रेन खचाखच भीड़ है। इधर मेरे सीट है, रो सीट के पास भी एक आदमी सो गए हैं नीचे प्लास्टिक के ऊपर एंड उधर कॉरिडोर में भी है, सभी लोग ऐसे ही सो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, सीट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस कुछ इस तरीके से ख़त्म होती है डे वन एंड नाइट टू। फिर मिलते हैं कल सुबह किसी नए स्टेशन पर, तब तक के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, तो आज है डे 3, तो टोटल 93 किलोमीटर हो गए हैं। सवाल है कि अभी हम लोग पहुँच गए हैं भुवनेश्वर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BBS एंड 2250 विवेक एक्सप्रेस। इस स्टेशन पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और गाइस अगर बात करें स्टेशन के बारे में, तो इधर टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, इधर 234 ट्रेन रोजाना हॉल्ट लेती है एंड इधर से 32 ट्रेन ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। एंड ये स्टेशन रोड डिवीजन के अंदर आते हैं, इस कोस्ट रेलवे जोन के अंदर। एंड अभी गाइस ऑब्वियसली हम लोग उड़ीसा के अंदर आ चुके हैं, और भुवनेश्वर को टेंपल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इधर 700 से ज़्यादा टेंपल्स हैं। और अगर बात करें ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन का फ्लैश काम नहीं कर रहा है बाथरूम का, इसलिए बाथरूम का हालत बहुत ही बुरा है। सुबह उठकर काफ़ी देर तक बाथरूम नहीं किया जा पाई थी, कंप्लीट करने के बाद सफाई करके गए फिर मैंने बाथरूम यूज़ किया, तो कुछ इस तरीके से हाल है बाथरूम का। और हम इधर लूडो खेल रहे हैं,
चार दिन तो किसी न किसी तरह से बिताना तो पड़ेगा, तो इसीलिए हम लूडो खेल रहे हैं को पैसेंजर्स के साथ ही है, तो इन लोगों के साथ मैं खेल रही हूँ लूडो। अरे मुझे तो दिन तो मैं किसी को काट दिया। काफी इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है हमारे घर। विशाखापट्टनम स्टेशन से निकल रही है फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो अभी हमारी ट्रेन को डिपार्चर मिल गई है विशाखापट्टनम स्टेशन से। कल से उपवास कर रहे हैं, केरला जाने के। ये रहा मेरा खाना, विशाखापट्टनम से मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, तो इसका प्राइस है 148 रुपीज़, जिसमें मुझे पापड़ मिला, दाल मिला, एक सब्जी मिला, किस चीज़ का सब्जी मुझे पता नहीं, एक मिठाई मिला सूजी का कुछ है, अचार मिला, राइस मिला, एंड ये है रोटी, दो रोटी, तीन रोटी मिला इसमें, एंड ये है सलाद, एंड मैं साउथ इंडियन थाली लिया था तो इसमें है सांभर। तो 148 रुपीस में इतना ज़्यादा कुछ मुझे मिला है। अभी हम पहुंच गए हैं राजमुंद्री स्टेशन, एंड अभी तक हम लोगों ने 2608 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। फिलहाल मैं कोच के अंदर हूँ क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ अभी, एंड बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। एंड अगर बात करें स्टेशन के बारे में, तो उधर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड इधर रोज़ाना 224 ट्रेन हॉल्ट लेती हैं, इधर से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी के बीच चलने वाली 2504 विवेक एक्सप्रेस की स्टेशन के पहुंचने का टाइम था शाम को 6:45 को, लेकिन ट्रेन हमारी 3 घंटा से ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो समझ रहे हो कि 9:30 बज चुका है अभी तक, तो इसलिए मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ अभी। एंड गेट के पास पूरा ब्लॉक है, सामान वगैरह रखा हुआ है, जिसके पास टिकट वगैरह नहीं है तो वो लोग ऑब्वियसली वैसे ही ट्रैवल करते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। एंड अराइवल नहीं ले पाई क्योंकि मैं गई थी एसी पर, इधर बाथरूम का हालत बहुत ही बुरा है, सफाई करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने खाना खाने गया था, इसलिए उन्होंने कहा आप थोड़ा अभी इस बार एसी में चले जाइए, तो मैं एसी में गई थी, एंड उधर बाथरूम में थी, तो तब तक राजमुंद्री स्टेशन आ गया था, तो इसलिए मैं अराइवल नहीं ले पाई, लेकिन आप लोगों को मैं डिपॉजिट जरूर दिखाऊंगी।
दो मिनट के जगह 10 मिनट से ज़्यादा स्टॉपेज लेने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन राजमंड्री स्टेशन से निकल रही है। एंड इधर खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह, बनाना, केला, संतरा वगैरह आपको इजीली मिल जाएगी। एंड साउथ इंडिया में है तो इडली वड़ा वो तो अवेलेबल है ही, साथ में काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। डेयरी पार्लर भी है इधर, ये रहा विजय डेयरी पार्लर। एंड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, स्टॉल्स भी हैं, तो आप लोगों को खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड काफ़ी बिजी स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप देख पाएंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कटपाड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KPD। इधर इस ट्रेन का टोटल 5 मिनट का हॉल्ट है एंड इस स्टेशन का लोकल नेम है वेलो स्टेशन। अगर बात करें स्टेशन के बारे में तो इधर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, टोटल रोज़ाना 227 ट्रेन हॉल्ट लेती है एंड 5 ट्रेनों से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती हैं। एंड हमारी इस स्टेशन पर पहुँचने का टाइम था सुबह 6 बजे, लेकिन ट्रेन 3 घंटा 5 मिनट हॉल के बाद हमारी ट्रेन कटपाड़ी जंक्शन स्टेशन से निकल रही है। फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1 कटपाड़ी स्टेशन पर मैंने एक डोसा एंड एक इडली ले लिया है। उधर ब्रेकफास्ट में काफ़ी ऑप्शंस हैं, 50 रुपीज़ में मुझे मिला है 3 इडली, बहुत ही फ्लफी है, साइज़ में बड़ा भी है एंड उसके साथ एक ओड़ा एंड इसमें है एक नारियल का चटनी एंड एक है सांबार कुछ ऐसा है। एंड डोसा में है एक डोसा, साथ में एक बड़ा, सेम इधर एक नारियल का चटनी एंड एक सांबर, तो इसका भी प्राइस 50 रुपीज़ है। ट्रेन फुल पैक है तो इसीलिए मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। ज़्यादा लेंगे तो 50 रुपीज़ में मिलेगा अगर आपको पता होगा तो, और नहीं तो 20 रुपये में रेल में बेच रहे हैं। तो ये बात आप जब ट्रैवल करेंगे तो ध्यान रखना ज़रूर कि रेल में का प्राइस है 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ देकर ही लेना। मैंने भी लिया है सेम थिंग 50 रुपीज़ देकर एंड इनसे ले रहे हैं 20 रुपये, तो
कुछ ऐसा स्कैम है, आप लोग देख लेना। टोटल 3,428 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके अभी हम लोग पहुँच गए हैं सेलिंग जंक्शन। गेट के पास ब्लॉक है गाइस, इसलिए मैं नहीं उतर पा रही हूँ। कुछ ऐसा स्टेशन है, स्टेशन तो खाली ही है, मतलब साफ़ सुथरा है, खाली नहीं साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, तो अच्छा स्टेशन। एंड खाने पीने की बहुत सारे ऑप्शंस हैं, साउथ में तो ऑप्शंस होता ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर टोटल इधर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, 8 ट्रैक्स हैं। एंड इधर रोज़ाना 189 ट्रेन हॉल्ट लेती है। इधर से 8 ट्रेन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। सलीम को स्टील सिटी ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। एंड सलीम बहुत ही फेमस है अपने हाई क्वालिटी हल्दी प्रोडक्शन के लिए। फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर मिल गई है फ्रॉम सलीम जंक्शन, फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1। एंड इधर काफ़ी कुछ है, स्टॉल्स वगैरह काफ़ी कुछ है, तो खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देख सकते हैं, हाँ स्टेशन तो थोड़ा खाली खाली ही है, लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टेशन है। काफ़ी सारे पुलिस हैं इधर। शायद हमारी ट्रेन में कुछ लोचा हुआ था, पता नहीं मुझे, क्योंकि ट्रेन आते ही आरपीएफ पर लोग भाग रहे थे। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं नहीं उतर रही हूँ। एंड इधर ऐसे फल वगैरह मिल रहे हैं, पाइन एप्पल, खीरा, तरबूज, 20 रुपए का पैकेट है, तो मैंने भी एक ले ली है। ये हम सभी लोग खा रहे हैं तरबूज, बहुत ही मीठा है, मैं खा के देखी हूँ, बहुत टेस्टी भी है। पहले पाइन एप्पल भी खा चुकी हूँ, वो बहुत टेस्टी था, बहुत मीठा था। एंड सभी लोग इधर ले रहे हैं, खा भी रहे हैं। काफ़ी कुछ है स्टेशन पर, केला वगैरह। एंड जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसके लिए लेग पीस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, चिकन बिरयानी भी मिल जाएगी, इधर काफ़ी कुछ अवेलेबल है। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं कोयंबटूर जंक्शन। तो गाइस टोटल 3,644 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोयंबटूर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CBE। इधर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड इधर रोज़ाना 130 ट्रेन हॉल्ट लेती है। एंड इधर से 37 ट्रेन ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। और इधर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। इधर पहुँचने का टाइम था सुबह 10:15 को, लेकिन ट्रेन 3.5 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एंड गाइस कोयंबटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और कोयंबटूर से आदियोगी जो शिव जी का जो स्टैचू है वो दर्शन करने के लिए आप इसी स्टेशन उतर के बाईपास जा सकते हैं। एंड अगर बात करें इस ट्रेन के स्नैक्स वगैरह खाने पीने के बारे में, तो स्नैक्स में आपको मैगी, चाउमीन एंड चाना, समोसे, बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ मिल जाएगा इसी स्टेशन पर, इसी ट्रेन पर। एंड खाने के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, मैं अभी नहीं बात कर रही हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोगों से मैं डिपार्चर के टाइम मिलती हूँ। 5 मिनट हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन कोयंबटूर जंक्शन स्टेशन से निकल रही है, फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1। और एक बात गाइस, मेरा माइक जो है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए विदाउट माइक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोगों शायद सुनने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी।
तो अब ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती अभी क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली माइक नहीं, मेरा फ़ोन का ही जो पोर्ट है वही ख़राब हो चुका है, तो इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। जब घर वापस जाऊँगी फिर इसको ठीक करवाना होगा, फिर मैं ठीक करवा पाऊँगी। तो अभी तो ऐसे ही काम चलना पड़ेगा। अभी हमारी ट्रेन एर्नाकुलम टाउन स्टेशन पर पहुंच रही है। वैसे तो इधर पहुंचने का टाइम था दोपहर को 2:30 को, लेकिन अभी टाइम हुआ है 6:30, तो ट्रेन हमारी कुछ इस तरीके से लेट हो चुके हैं। पूरा 3,843 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर अभी हम लोग पहुंच गए एर्नाकुलम टाउन। इधर पहुंचने का टाइम था दोपहर को 2:30 को, लेकिन ट्रेन हमारी बहुत लेट हो चुकी है, अभी टाइम हुआ है 6:30। एंड अगर बात करें स्टेशन के बारे में, तो इधर टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स है, 4 ट्रैक्स हैं। रोजाना 103 ट्रेन हॉल्ट लेती है। इधर काफ़ी सारे लोग बीबोर्ड भी हुए हैं स्टेशन पर। एंड स्टेशन पर हमारी ट्रेन का 5 का हॉल्ट है। एर्नाकुलम को केरल राज्य के कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। हम देखिए इधर 80% लोग ट्रेन से डिबोर्ड हो चुके हैं। इधर हमारे को पैसेंजर्स भी डिबोर्ड हुए हैं एंड एक भैया रह गए। 5 हॉल्ट के बाद फाइनली हमारी ट्रेन को डिपार्चर मिल गई है एर्नाकुलम टाउन स्टेशन से फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो इधर शायद लोकल पैसेंजर्स का काफ़ी भीड़ है, लेकिन स्टेशन में ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला। फ्रूट्स वगैरह ऑब्वियसली देखने को नहीं मिला। वड़ा सांभर इडली इजीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको, जैसे साउथ इंडियन डिश है। एंड कॉफ़ी चाय हो तो इजीली अवेलेबल है, समोसे ये सब मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, सजा हुआ फ्लावर देख के ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम पहुंच रहे हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल। गाइस इधर पहुंचने का टाइम था शाम को 7:10 को, लेकिन हमारी ट्रेन पहुंच रही है रात को 11:30 को। तो गाइस अभी मैं ट्रेन से वीडियो बना रही हूँ एंड टोटल 1,050 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुँच सेंट्रल। इधर पहुँचने का टाइम था 7:10 शाम, लेकिन आप पहुँच रहे हैं रात को 11:30 को, इसलिए मैं स्टेशन नहीं उतर सेफ्टी के कारण आप समझ रहे होंगे। एंड इधर ट्रेन पूरा खाली हो चुका है, 1-2 पैसेंजर्स हैं एंड मैक्सिमम खाली हो चुका है इधर।
ट्रेन। तो अगर बात करें स्टेशन के बारे में, इधर जो है 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, रोजाना 45 ट्रेन हॉल्ट लेती हैं, 30 ट्रेन से ऑरिजिनेटेड टर्मिनेट होते हैं। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है, अभी भी शेयरिंग एरिया बन चुका है लेकिन अभी भी काफ़ी भीड़ है स्टेशन पर, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक फैमिली उधर है एंड इस तरफ कोई नहीं है। आगे इस वन पर पूछे एंड सामने वो वाले केबिन पर एक फैमिली है बस, बाकी उधर पीछे पता नहीं, आई थिंक कोई नहीं है। बात ये है ना कि हमको 10% मिलता है। अच्छा, बाकी कैटरिंग वाले मतलब जो जो हेड होता है उसका, मैनेजर को, मैनेजर को, मैनेजर का भी सब पैसा थोड़ी है, उससे बड़ा जो मैनेजर वहाँ जाएगा, जो उससे बड़ा मैनेजर वहाँ जाएगा, सब मैनेजर का भी नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है। वो जहाँ से समोसा आया फिर समोसे वाले को दो, सारा समोसा थोड़ी यहाँ बनता है। हाँ वो तो है, खाना भी सारा नहीं बन पाता है। अच्छा, तो बाहर से आता है। अच्छा, तो जैसे कि वो थाली वाली बेच रहे थे तो बाहर से आता नहीं, थाली वाली तो यही है। अच्छा, वो चावल कभी सब्जी दाल बाहर बन के बाहर से आता है। अच्छा, तो पता चल जाता है ना कि गाड़ी में कितना पैसेंजर है। वो कभी कभी तो ओवरलोड हो जाता है, जैसे कि इस बार ओवरलोड था, जैसे कि उधर से आएंगे ना अभी पर्व का टाइम है, ओवरलोड हो जाएगा तो यहाँ पूरा हो नहीं पाएगा तो बाहर ऑर्डर देना पड़ता है। अच्छा, तो जानती नहीं थी मैं, तो मुझे तो लगता था उधर ही बनता है, उधर से ही बनता है, यहाँ मैक्सिमम इधर बनता है, जो एक्स्ट्रा जो लगता है उधर। मैंने मान के चलिए ना कि 80% खाना यहाँ बनता है। अच्छा, और 20% खाना जो है बाहर से आता है, 80% यहाँ। अभी टाइम है 4:34 रात, काफ़ी हो चुकी है, अभी भी हम ट्रेन में हैं। कन्याकुमारी पहुँचना था 9:55 को, लेकिन ट्रेन रुक के चलने से बहुत लेट हो चुके हैं, पता नहीं हम 2 बजे पहुँचेंगे या 3 बजे पहुँचेंगे, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अभी बैग वैग सब लेके हम रेडी हैं निकलने के लिए, बस ट्रेन पहुँचेंगे फिर देंगे। मेरे मुझे तो इधर ही नींद आने लगी है, पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे, कब होटल जाएंगे, कब जाएंगे। फाइनली गाइस, टोटल 9.5 घंटा लेट के बाद हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी। इधर पहुंचने का टाइम था रात को 10 बजे, मतलब 9:55 को, और ट्रेन हमारी पहुंच रही है सुबह, नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे। तो ट्रेन कुछ इस तरीके से लेट है, एक्चुअली किसी ने चेन वगैरह खींच दिया था इसीलिए तो लेट हो चुका था। एंड अगर बात करें इस ट्रेन के बारे में, ट्रेन तो ठीक ठाक है बिल्कुल, विशाखापट्टनम तक राइट टाइम पे आए थे एंड त्रिवेंद्रम के तक 3 घंटा लेट था, लेकिन कुछ उसके बाद मैकेनिकल इश्यूज के कारण कुछ इस तरीके से लेट हो चुके, तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी एक ही प्रॉब्लम है बाथरूम, जो कि साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पैसेंजर्स के कारण, ऐसे ऐसे पैसेंजर्स इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अगर हम लोग टॉयलेट को साफ़ नहीं रखेंगे तो वो लोग कितना साफ़ करेंगे, कितना टॉयलेट को क्लीन करेंगे। तो उन लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत वो लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सपोर्ट किया, मैं जितने बार कॉल किया सफाई के लिए आके कॉल साफ़ करके गए। पेंट्री वाला भी बहुत सपोर्टिंग है, बहुत हेल्प किया मुझे, तो स्टाफ बहुत अच्छे हैं, पेंट्री वाले स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, क्लीनिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बाकी ट्रेन भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जर्नी इधर ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है, अगर आई है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।